खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। एबीसी न्यूज के ब्यूरो चीफ मोहम्मद अरशद रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट सरदार बेगम अस्पताल सियालकोट इमरजेंसी वार्ड का अमला गायब, मरीज रोल गए, रवायकीन परेशान, मेडिसिन भी गायब, वजीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा। आइए देखिए अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड का मंजर। भाई ये 9 बज चुके हैं तो इमरजेंसी में सरदार बेगम हॉस्पिटल में कोई बंदा अभी तक अवेलेबल नहीं है। ये चेक करें, सारे मरीज इधर जलील हो रहे हैं। ये देख ना कोई डॉक्टर अवेलेबल है इधर, और मरीज सारे इधर जलील हो रहे हैं पर्ची बनाने के लिए। चेक करें आप, इधर एक डॉक्टर साहब बैठी हुई है बस, इधर इमरजेंसी है ना, कोई बंदा अवेलेबल नहीं है। ये देखे पेशेंट सारे जलील हो रहे हैं, एक साहब बैठे हुए इधर, इधर कोई बंदा कोई नर्स अवेलेबल नहीं है जो इंजेक्शन लगा सके पेशेंट को ना, ट्रीटमेंट कर सके। डेट भी बता दें, आज डेट कौन सी? 27 जनवरी है, 9 बज चुके हैं, कोई बंदा इधर अवेलेबल नहीं है। ये पेशेंट देख के सारे दलील हो रहे कैसे, ये देखिए।